अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिस इज़ अहमद फ्रॉम एबीएस टेक। और यार, आप में से काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप एक LG G7 के ऊपर इन डेप्थ कैमरा रिव्यू बनाएं। तो मैंने सोचा जितने दिनों के अंदर मैं क्वारंटीन हूँ, क्यों ना मैं #quarantine क्वारंटीन कॉन्टेंट बना लूँ और क्यों ना एक फुल इन डेप्थ कैमरा रिव्यू आपको दिखा दूँ। तो अभी जो आप फुटेज देख रहे हैं ये LG G7 के फ्रंट कैमरा के ऊपर बनी हुई है और वेल लिट कंडीशंस हैं, इसकी वजह से मे बी रिज़ल्ट भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा हो। और मैं रोड के पास फिर रहा हूँ, ट्रैफिक नॉइज़ आप लोग नोट करते रहिएगा। और एक चीज़ आप नोट करें कि मेरा काफ़ी ज़्यादा फ्रेम जो है वो कट रहा है, वो इस वजह से कि G7 के अंदर एक अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। बात कर लें बैक कैमरा की, तो आप लोगों को पता है कि G7 के अंदर बैक पे दो कैमराज आपको देखने को मिल जाते हैं। इस वक्त जो आप फुटेज देख रहे हैं वो मेन कैमरा से बनी हुई है। अब G7 के अंदर एक जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मसला मुझे देखने को मिल रहा है वो ये है कि ड्यूरिंग वीडियो रिकॉर्डिंग आप एट द टाइम अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे स्विच नहीं कर सकते। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है क्योंकि मुझे अब हर वारी अलग फुटेज जो है वो रिकॉर्ड करनी पड़ती है अलग कैमरा के लिए। वैसे आप लोगों को कैमरा का अंदाज़ा हो जाएगा, ये नॉर्मल कैमरा है एट ऑटो सेटिंग्स, लेकिन हम अभी अल्ट्रा वाइड पर स्विच करते हैं। ये अब हमने अल्ट्रा वाइड पर स्विच कर लिया है। अब राइट ऑफ द बैट रिज़ल्ट हल्का सा पहले से ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन स्टेबलाइजेशन को इतना कोई असर नहीं पड़ा। V20 वगैरह और इस तरह के फ़ोन्स के अंदर मैंने ये ज़रूर नोट किया था कि जैसे ही आप अल्ट्रा वाइड एंगल पर स्विच करते थे तो आपको थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन का फ़र्क देखने को मिल जाता था, क्योंकि उनके अल्ट्रा वाइड एंगल के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं थी। वैसे वो यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन ये आपको इलेक्ट्रिकल जो स्टेबलाइजेशन है वही इतनी अच्छी देखने को मिल जाती है कि आपको यहाँ पे और किसी पे स्विच करना ही नहीं पड़ता। तो अब ज़रा मैं आपको माइक की क्वालिटी आपको साथ साथ नोट करती रहनी होगी। ये बैक कैमरे की माइक क्वालिटी है और ज़रा अब हम मैनुअल मोड पे स्विच कर जाते हैं। तो फिलहाल यार हम इस वक्त LG G7 का मैनुअल कैमरा मोड ट्राई कर रहे हैं। हम इस वक्त अल्ट्रा वाइड कैमरा पे हैं और आप देख सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन ओवरऑल बहुत अच्छी है। और ज़रा अब हम सन की तरफ स्विच कर लेते हैं, इससे हमें ज़रा HDR का अंदाज़ा हो जाएगा। ज़रा आपको जैसे पता है कि हम यहाँ पर इसकी सेटिंग साथ साथ चेंज कर सकते हैं, तो ये देखें रिज़ल्ट साथ साथ चेंज होता जाएगा। अब G7 के मैनुअल वगैरह और इस तरह के मोड में मेरा सबसे एक मज़े का फीचर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है 21:9 रिकॉर्डिंग, जिससे आपको साइड पे यूँ बार्स ये जैसे कि आपको देखने को नज़र आ रहे हैं ये नज़र आ जाते हैं। इससे आपका जो ओवरऑल सीन है वो थोड़ा मूवी लाइक हो जाता है। उसके अलावा भी ये थोड़ी सिनेमैटिक फीलिंग देता है। आपने मेरी लास्ट अगर वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इससे कितना थोड़ा पड़ जाता है। अब जरा हम क्लोज फोकस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे फोकस नहीं पकड़ रहा, लेकिन अभी अल्ट्रा वाइड कैमरे पे हम जरा नॉर्मल कैमरे पे स्विच कर लेते हैं। तो अब हमने अल्ट्रा वाइड से नॉर्मल कैमरे पे स्विच कर लिया है, अभी यहीं पे फोकस देख लें तो अब यहाँ पे फोकस जो है वो क्रिस्टल क्लियर आ रहा है। उसके अलावा वैसे भी ओवरऑल आपका रिज़ल्ट जो है कैमरे का वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है नॉर्मल पे आने से। ये एक तरह से एक फॉल्ट भी है और एक तरह से एक फ़ायदा भी है कि आपको बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों में कंसिस्टेंसी का थोड़ा फ़र्क है। लेकिन ज़ाहिर बात है इस प्राइस के अंदर आपको और कोई फ्लैगशिप कैमरा नहीं देखने को मिलेगा। तो अब हम ज़रा फोटोग्राफी की तरफ मूव कर जाते हैं। अब यार बात कर लेते हैं नॉर्मल कैमरा की, तो आपको इसके अंदर एक AI कैम का मोड देखने को मिल जाता है। ये जो फ़ोटोज़ आप पहले देखने जा रहे हैं ये नॉर्मल कैमरे से ली गई हैं जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, और ये काफ़ी डीसेचुरेटेड है। LG शुरू से डीसेचुरेटेड है, लेकिन जैसे ही हम AI कैम मोड को ऑन करते हैं आपको यहाँ पर फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये फ़ोटो बिल्कुल साइड बाय साइड ली गई है और जो AI कैम वाली फ़ोटो है उसकी सैचुरेशन बेहतर है और ओवरऑल फ़ोटो भी ज़्यादा खूबसूरत है देखने में। यार कैमरे की बात करते चलें तो अल्ट्रा वाइड का रिज़ल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका रिज़ल्ट काफ़ी कंसिस्टेंट है नॉर्मल कैमरा के साथ, कलर्स प्यारे हैं और ओवरऑल डिटेल भी काफ़ी अच्छी है। अभी यहीं पर हम नॉर्मल कैमरे पर स्विच कर लेते हैं तो आपको फ़र्क इतना देखने को नहीं मिलेगा।
और आजकल एक काफ़ी ज़्यादा जो क्रेज़ चल रहा है वो है जूम का, तो हम ज़रा जूम को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जी सेवन के अंदर आपको 10x जूम देखने को मिल जाता है। अब हम ज़रा फोटो के अंदर 10x जूम करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रिज़ल्ट है वो इतना फटता नहीं है, लेकिन मोस्टली सॉफ्ट हो जाता है। तो यार अब ज़रा डुअल कैमरा सेटअप को हम डिस्कस कर लें, तो यहाँ पे आपको एक नॉर्मल फ़ोटो देखने को मिल जाती है जो ऑटो मोड पे हमने ली है नॉर्मल कैमरा के ऊपर, और काफ़ी अच्छी शॉट है, डायनामिक रेंज भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर हम इसी फ्रेम को ज़रा जूम आउट कर लें, इसके लिए हम अल्ट्रा वाइड कैमरे को यूज़ करेंगे, तो अब आप देखते हैं कि फ्रेम कितना ज़्यादा बेहतर हो गया है, बहुत ज़्यादा डायनामिक। और मेरे ओपिनियन में शुरू से ही अल्ट्रा वाइड जो है वो बेस्ट डुअल कैमरा सेटअप था, और ये LG ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन इनको कभी इतना क्रेडिट नहीं मिला। LG की तरफ से आपको G7 के अंदर एक नाइट मोड देखने को मिल जाता है, तो ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये विदाउट नाइट मोड ली हुई है, और ओवरऑल ठीक है फ़ोटो, लेकिन थोड़ी सी डार्क है। और अभी अगर हम ज़रा नाइट मोड वाली फ़ोटो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, तो आपके सामने है कि फ़ोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन मेरे ओपिनियन के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, फ़ोटो पहले से ज़्यादा सॉफ्ट है, और ओवरऑल डिटेल फ़ोटो के अंदर कम है, और रिज़ल्ट भी वैसे भी पिक्सलेशन काफ़ी वाजे आपको नज़र आ रही है। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप ये मोड इतना यूज़ करें, और ना मैं पर्सनली करूँगा। तो यार होप सो कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, काफ़ी चीज़ें मैंने मिस कर दी होंगी इसके अंदर। फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा गेम मोड्स आपको फोटोग्राफी मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स, और क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत जल्दी अपलोड करनी है तो मैं हर चीज़ कवर नहीं कर पाया। अगर आपको ऐसी फ्यूचर में और वीडियोस देखनी है ड्यूरिंग द क्वारंटीन, तो आप लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।